हेलो फ्रेंड्स और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीवीएल डिजाइन। गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिलेट कमांड के बारे में। तो गाइस फिलेट कमांड का यूज हमें किसी भी दो लाइंस के कॉर्नर को या किसी भी रेक्टेंगल के कॉर्नर को एजेस को हमें राउंड करने के लिए या फिलेट करने के काम आता है फिलेट कमांड। तो गाइस इसको हम किसी भी रेडियस में किसी भी डायमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात है, अगर हम कॉर्नर को इस तरह से ट्रिम भी कर सकते हैं और इस तरह से अनट्रिम भी कर सकते हैं, और इसका रेडियस वैल्यू भी निकाल सकते हैं कि कितना रेडियस का है। तो गाइस इसी में पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आपको पसंद आए तो लाइक भी करना। तो सबसे पहले आप गाइस देख सकते हैं यहाँ पे एक कॉर्नर में इस तरह से आपका मॉडिफाई टूल बार है, इसमें ये आपकी एक फ्लैट कमांड है। सेकंड ऑप्शन आपको मॉडिफाई में जाकर आपको यहां से ये वाली चैम्फर के नीचे फ्लैट कमांड मिल जाती है। गाइस चैम्फर और फ्लैट कमांड में क्या डिफरेंस होता है, इसका जो होता है ये वाला इस तरह से राउंड होता है बट ये सीधा होता है फ्लैट में। गाइस नेक्स्ट इसमें जो है आपको सिंपली इसके लिए फिलेट के लिए एफ आई डबल एल टाइप करेंगे, जैसे एफ आई एल सिंपल, तो आपकी फिलेट कमांड आ जाएगी एफ आई एल। यहाँ पे देख सकते हैं फिलेट कमांड लेकर आ जाती है। तो फिलेट के लिए एंटर कर देंगे और सिंपली आपको जो भी ऑब्जेक्ट फिलेट करना होगा वो ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हमें एक आर ई सी एक रेक्टेंगल ड्रा कर ले रहे हैं तो ये आपका रेक्टेंगल हो गया। एक सिंपली लाइन से ड्रॉ कर ले रहे हैं रेक्टेंगल इस तरह से, ठीक है, ये आपका रेक्टेंगल हो गया। इस रेक्टेंगल में और इस रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस है अभी हम बताएंगे। तो सबसे पहले फिलेट कमांड हम यूज करते हैं एफ आई एल एंटर। अब यहाँ पे गाइस ऑप्शन है अंडू पॉलीलाइन रेडियस ट्रिम मल्टीपल, तो इसके बारे में डिटेल में बताने वाले हैं। सबसे पहले अंडू क्या होता है, अंडू होता है गाइस बैक मेन्यू जाना। इस कमांड से पहले जो हमने कमांड लिया है उस कमांड में जाने के लिए हमें अंडू करना होता है। उसके बाद जो पॉलीलाइन है, अगर मतलब पॉलीलाइन कोई भी हमने रेक्टेंगल पॉलीलाइन से लिया है तो पॉलीलाइन जैसे आप देख सकते हैं सिलेक्ट करके वन टाइम सिलेक्ट हो जाएगा, बट जो पॉलीलाइन नहीं रहेगा उसको आप सिलेक्ट करेंगे तो वो एक ही लाइन सिलेक्ट होगी। तो एक आपका पॉलीलाइन नहीं है, ये पॉलीलाइन है। अगर आपका पॉलीलाइन है तब क्या करना है, तो पॉलीलाइन से गाइस ये फायदा होता है कि आपके जो चारों कॉर्नर हैं वो वन टाइम में यानी एक बार में ही फिलेट हो जाते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, फिलेट के लिए एफ आई एल एंटर करनी है और पॉलीलाइन के लिए पी एंटर करना है और इसको सिंपली अप्लाई कर देना है। इस तरह से अप्लाई हो जाएगा। अगर गाइस अपने अकॉर्डिंग रेडियस डालना चाहते हैं तो इसकी आप खुद से रेडियस भी डाल सकते हैं। तो एफ आई एल पॉलीलाइन के लिए पी एंटर, रेडियस यहाँ पे आ रहा है रेडियस के लिए आर एंटर एंड रेडियस डाल दो आप। हमने जैसे दो रेडियस ले लिया तो यहाँ से आप अप्लाई करेंगे तो ये रेडियस ज्यादा हो गया गाइस, तो रेडियस इसकी कम करते हैं। जैसे पॉइंट अभी बन था हमारा 0.5 ले रहे हैं, तो सिंपली इसको क्या करना है, फ्लैट के लिए एफ एल एंटर देन पॉली के लिए पी एंटर रेडियस के लिए आर एंटर और 0.5 एंटर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये आपका रेडियस 0.5 आ गया। अगर हम इसको आपको यहाँ से नाप के दिखाएं, यहाँ से निकाल के दिखाएं इसका, तो ये रेडियस का आ रहा है, यहाँ से रेडियस ले लिया और यहाँ से ये 0.5 आपका रेडियस आ गया गाइस। अब इसमें आप देख सकते हैं इसके जो कॉर्नर हैं ये आपके डिलीट नहीं हुए हैं, ट्रिम नहीं हुए हैं। इसके बारे में भी आगे हम बताने वाले हैं। उससे पहले आपके पास एक और ऑप्शन है फिलेट एंटर, ये आ गया आपका रेडियस डायरेक्ट का, इस रेडियस लेके यानी आर एंटर और 0.1 कर देते हैं 1 एंटर।
तो डायरेक्ट आप रेडियस लेके भी दो कोनों के बीच की इस तरह से कोई भी फिलेट कर सकते हैं कॉर्नर एजेस। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका फिलेट रेडियस हो गया। अब ट्रिम है, अब इसके बाद आता है ट्रिम। ट्रिम के मतलब क्या होता है गाइस, ट्रिम के बारे में एक डिटेल वीडियो अगर आप चाहते हैं तो उसका लिंक जो है आपको प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा, वहां से जाके बात कर सकते हैं गाइस। और पॉलीलाइन का भी अगर आप डिटेल वीडियो चाहते हैं तो वो भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी लिंक डिस्क्रिप्शन में। और गाइस ये ट्रिम जो है, ट्रिम के लिए टी एंटर करना है। अब यहाँ पे आ रहा है ट्रिम नो ट्रिम, तो अभी हमारा ये था नो ट्रिम में, नो ट्रिम मतलब ये ट्रिम नहीं करना है कॉर्नर को। अब अगर टी एंटर कर देंगे तो अब हमारा ये गाइस ट्रिम होता रहेगा। अब हमें अगर रेडियस चेंज करनी है तो रेडियस अकेले आर अप्लाई कर सकते हैं रेडियस, अगर नहीं करनी तो हमारी पहले जो रेडियस है वही अप्लाई हो जाएगी। तो पहले इस तरह से हमारी जो रेडियस थी वही अप्लाई हो गई इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है, इसके बाद नेक्स्ट है मल्टीपल ऑप्शन। अब जैसे फिलेट, अब आ गया ट्रिम हो गया, मल्टीपल है। मल्टीपल का मतलब है कि अभी हमने जैसे इसको भी फिलेट किया, इसको फिलेट किया, तो एक बार में ही हम कमांड से बाहर आ गए। बट मल्टीपल अगर ऑप्शन हम यूज करेंगे तो कमांड में ही रहेंगे, मल्टीपल आप इससे कर सकते हैं फिलेट। ठीक है, तो मल्टीपल के लिए एम एंटर करनी है, देन रेडियस अगर यही रखनी है तो यही रख सकते हैं, अगर चेंज करनी है तो आर एंटर कर सकते हैं। तो आर एंटर किया, रेडियस के लिए आपने अगर 0.5 दे दिया एंटर, अब आप इस तरह से देख सकते हैं, इस तरह से फ्लैट हो जाएगा और आपका ये ट्रिम होता रहेगा। अगर वापस से अगर अनट्रिम करना है तो वहां पे ट्रिम वाले ऑप्शन में जाके अनट्रिम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आई होप गाइस आपको ये क्लियर हो गया होगा और वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस फिलेट कमांड के बारे में। तो गाइस अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो ज्वाइन चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप वीडियो वॉच कर सकें। सो गाइस ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अगर आपके कोई भी यूजेबल वीडियो है, अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, अगर कोई भी क्यूरी हो तो कमेंट करके हमें बताना। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच।